हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए वोकैब का एक वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ बेहतरीन वोकैब्स दूंगा। इसमें एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम फ्रेज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, यह बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या है, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। दोस्तों देखिए, इसमें से एक करेक्ट वर्ड है, उसे हमें चूज करना है। इन चारों में से एक कोई वर्ड करेक्ट लिखा गया, सही तरीके से लिखा गया है, और तीन गलत तरीके से लिखे गए हैं। तो जो वाला भी अच्छे तरीके से लिखा गया है, उसे हमें चूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, गारंटी का हमें बताना है कौन सा सही लिखा है। एक गारंटी के मीनिंग ए वाला सही है। इसमें देखिए, गारंटी का मीनिंग ये होता है GAURANTEE। देखिए दोस्तों, लास्ट में डबल ई तो रहेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, और यहाँ पे आप गौर लिखें, पहले आप ध्यान दें गारंटी के लिखने के तरीका, गारंटी वर्ड को लिखने के लिए आप मतलब इसे कैसे पहचानेंगे। आप गौर लिखें पहले, इस बात को ध्यान दें गौर लिखा है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद आप अंट लिखें। अंट दोस्तों, अंट चीटी वाला होता है ना, एंट लिखें। उसके बाद डबल ई लास्ट में तो रहेगा, आपको मैं बताया लास्ट में डबल ई रहेगा। देखिए दोस्तों, सब में डबल ई है, तो डबल ई को तो आप ध्यान देंगे ही। उसके बाद देखेंगे आप स्टार्टिंग में गौर लिखा है कि नहीं, GAUR लिखा है कि नहीं। उसके बाद एंट लिखा है कि नहीं दोस्तों, चीटी वाला एंट। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप देखकर पहचान पाएंगे। देखिए दोस्तों, किसी में भी नहीं लिखा है गौर, इसमें तो लिखा है लेकिन इसमें देखिए एंट नहीं लिखा है, तो गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें गौर ही नहीं लिखा है, और इसमें लिखा है तो इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पर UNT लिखा है, तो यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से करेक्टली स्पेल्ड, मतलब जो भी सही है इसमें उसे चूज करना है। डिसमिस का दोस्तों हमें बताना है। आप जानते हो मिस मतलब क्या होता है, मिस मतलब किसी को याद करना। तो मिस का से थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, MISSED, मिस्ड होता है। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि मिस्ड का इससे क्या रिलेशन, मैं सिर्फ याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। डिसमिस का मतलब होता है किसी को निकाल देना, लेकिन मिस का मतलब होता है याद करना। लेकिन मैं याद मतलब इस वोकैब को, इस वर्ड मीनिंग को, याद इस वर्ड को मैं याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। मिस अगर आपको दे देगा कि डिसमिस्ड में से चुनिए कौन सा सही है, तो आप कैसे याद करेंगे। आप मिस जानते हैं मिस का क्या होता है, MISSED, और जब इसका सेकेंड या थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ED लगा देते हैं, तो मिस्ड हो जाता है। लेकिन अगर डिसमिस्ड रहेगा तो आप इसके आगे सिर्फ इसके आगे DIS जोड़ दें, तो हमको मिल जाएगा डिसमिस। देखिए दोस्तों, किस में लिया है, DIS इसमें दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें दिया है, लेकिन दोस्तों देखिए इसमें SS दे दिया, ये गलत हो जाएगा। इसमें मिस्ड की स्पेलिंग ही गलत लिखा, यह भी गलत हो जाएगा। इसमें भी गलत लिखा, यही दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको क्या करना है, मिस्ड में MISSED में DIS जोड़ देना है दोस्तों, डिसमिस्ड हो जाएगा दोस्तों, यह सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यार हमें ईडियम बताना है, ईडियम का मीनिंग बताना है कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, ए चिकन हार्टेड फेलो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो दिल है, जिसका जो हृदय है, वो मुर्गी के बच्चे के हृदय के समान है। तो आप इमेजिन करिए, मतलब कुछ देर के लिए मान लीजिए, अगर कोई इंसान है जिसका हार्ट जो है, अगर मुर्गे के बच्चे की तरह के हार्ट की जैसा होगा, तो कैसा होगा वह इंसान, कैसा होगा, डरपोक होगा। जिस किसी भी इंसान का दिल मुर्गे के दिल के जैसा होगा, मुर्गे के दिल के समान होगा, तो उस वह तो डरपोक होगा, कमज़ोर होगा दोस्तों। आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, सॉबर का मतलब क्या होता है, सॉबर का मतलब होता है शांत होता है दोस्तों। क्या होता है, शांत होता है, सॉबर का मतलब शांत होता है। बोल्ड का मतलब बहादुर होता है दोस्तों। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होता है दोस्तों, इंटेलिजेंट का मतलब। और टीमिड का मतलब दोस्तों क्या होता है, डरपोक दोस्तों होता है। टीमिड का मतलब डरपोक होता है दोस्तों। मैंने आपको क्या होता है, जिसका भी दिल मुर्गे के बच्चे के दिल की तरह होगा, मतलब मुर्गे के दिल के समान होगा, तो डरपोक ही होगा, क्योंकि दोस्तों मुर्गा छोटा सा है और डरपोक ही होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सिर्फ याद करना है, इसे सिर्फ मानना है कुछ देर के लिए, ऐसे आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट भी ईडियम ही है दोस्तों, मीनिंग बताना है। टू फेस म्यूजिक, दोस्तों देखिए टू फेस म्यूजिक का क्या होता है, टू फेस म्यूजिक ईडियम, इसका अर्थ क्या होता है, इंटरवल
इंटरवल। दोस्तों कैसे आप इसे याद रखेंगे, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में एक जगह डीजे खूब बज रहा है, खूब ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहा है दोस्तों, और आप उस तरफ से गुजर रहे हैं, और तब अगर आपको किसी से बात करना हो, कॉल आ गया आपको किसी से बात करना हो, तो आपको उस टाइम पे म्यूजिक फेस कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको दिक्कत होगा कि नहीं दोस्तों, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। सिर्फ आपको याद करना है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में खूब म्यूजिक बज रहा है, आपको कॉल आ गया, फिर कोई बुला रहा है, तो आपको ट्रबल होगा दोस्तों उनकी बात को सुनने में, तो इस तरह से आपको सिर्फ रिलेट करना है और याद करना है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको बस ऐसे याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसका दोस्तों इन ट्रबल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। कॉन्फेस का मतलब दोस्तों होता है सहमत, सहमत होना, सहमत सहमति देना है, सहमत होना दोस्तों। देखिए एक क्या बताना, एग्री का मतलब सहमत होना दोस्तों, डेनाई का मतलब इनकार करना, यानी कि डेनाई का मीनिंग, डेनाई वाला इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, डेनाई वाला सही हो जाएगा। हियर का क्या होता है दोस्तों, हियर का होता है, हियर का मतलब होता है सुनना, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना दोस्तों। कॉन्फेस का मतलब हो गया सहमत, सहमत होना, तो डेनाई का मतलब इनकार करना दोस्तों किसी बात के लिए, कॉन्फेस का मतलब सहमति देना, तो डेनाई का मतलब इनकार करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, डिसमल, डिसमल का दोस्तों हमको बताना है क्या, एंटोनिम बताना है दोस्तों, इसका भी डिसमल का भी एंटोनिम बताना है। देखिए डिसमल का दोस्तों देखिए मीनिंग क्या था, निराशाजनक, निराशाजनक होता है दोस्तों। अब आप यहाँ आप एक बात याद रखेंगे, चीयरफुल का मतलब दोस्तों क्या होता है, चीयरफुल का मतलब होता है दोस्तों हास्य, मतलब जो हास्यपद दोस्तों, मतलब खुश, हास्यपद होता है दोस्तों। और ब्राइट का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है, हसमुख दोस्तों, दोनों तो सेम मीनिंग रखते हैं, लेकिन जब भी डिसमल का दोस्तों आपको पूछे एंटोनिम, तो दोस्तों डिसमल का एंटोनिम आप चीयरफुल ना मार कर ब्राइट करेंगे दोस्तों, इसे ज़्यादा प्रीफर दोस्तों आपसे प्रीफर करेंगे, इन दोनों में किसका किसे प्रीफर देंगे दोस्तों, ब्राइट को। तो डिसमल का एंटोनिम आप दोस्तों ब्राइट को करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप डिसमल का एंटोनिम किसे बताएंगे, ब्राइट, ठीक है फ्रेंड्स। स्पिरिटेड, स्पिरिटेड का दोस्तों क्या होता है, स्पिरिटेड का मतलब दोस्तों होता है साहसी, स्पिरिटेड का मतलब दोस्तों साहसी होता है। करियस, मेमोरेबल का मतलब दोस्तों यादगार होता है, यादगार दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यार हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है दोस्तों। अकवर्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है, अकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, भद्दा होता है दोस्तों। तो इस स्मूथ का सिनोनिम बताना है दोस्तों ना, तो रफ, रफ हो जाएगा भद्दा, रफ का मतलब भद्दा होता है। स्मूथ का मतलब दोस्तों होता है चिकना, स्मूथ का मतलब होता है दोस्तों चिकना। और क्लेवर का मतलब होता है चलाक, आप जान गए होंगे। अकवर्ड का मतलब दोस्तों भद्दा, तो रफ का मतलब ही भद्दा होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, अबेट दोस्तों, अबेट का बताना है। देखिए अबेट का मतलब क्या होता है, इसका भी सिनोनिम बताना है, सिनोनिम हमें बताना है दोस्तों। तो अबेट मतलब होता क्या है, अबेट का मतलब होता है मध्यम करना, मध्यम करना दोस्तों, किसी चीज़ को मध्यम करना, किसी चीज़ को भी मध्यम करना। मान लीजिए आप इस गाड़ी चला रहे हैं, तो अबेट अगर वहाँ पे यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, गाड़ी की स्पीड धीमा करना, ठीक है दोस्तों। तो अबेट का देखिए सिनोनिम क्या हो जाएगा, मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, मध्यम करना, धीमा करना, ठीक है फ्रेंड्स। शार्प का मतलब दोस्तों नुकीला होता है, नुकीला हो जाएगा शार्प का मतलब। और हर्ट का मतलब किसी को नुकसान देना, किसी को हर्ट करना, नुकसान पहुंचाना। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट दोस्तों रहेगा, यहाँ पे आर नहीं रहेगा। सप्लीमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, सप्लीमेंट का होता मतलब होता है जोड़ देना दोस्तों, किसी चीज़ में जोड़ देना, ठीक है। अब यह भाग जोड़ घटाना वाला बात नहीं यहाँ पे दोस्तों, किसी चीज़ में मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे सप्लीमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे दोस्तों, जिसे मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो में कोई कुछ भी कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।